चलो यार, चाय पीने का मन कर रहा है, आज चाय पी लेते हैं। चाचा एक चाय। क्या करो यार, बता। नौकरी कर रहा हूँ, मालिक तनख्वाह देता नहीं टाइम से, भीख मांगनी पड़ती मालिक के सामने। बच्चे हैं, फिर उनकी आजादी, मेरे भी साथ यही है। अभी बड़े वाले नौकरी में कुछ हो नहीं रहा है, बड़े लड़के की फीस भेजनी है, मालिक से बोलता पैसे, मालिक पैसे नहीं देख रहा। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? अरे भाई साहब, क्या पूछोगे आप यार, हम ऐसे परेशान हैं, आप बीजों बोल रहे हैं। क्या क्या परेशानी है आपकी? क्या कुछ गरीब क्यों मार कर रहे भाई साहब? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, गरीब मार कर रहे, ऐसी बता दो भाई साहब। पहले हम भी गरीब थे मेरे भाई। छोड़ो भाई साहब, आप तो मजाक की बात कर रहे हो। आप मुझे अपनी समस्या बता दो, अगर मैं हल ना दूं तो फिर मुझे कहना। समस्या क्या बताएं भाई साहब, बताओ। बस मुझे अपनी समस्या बताओ, हल मैं दूंगा। मुझे समस्या है, बताओ। जहाँ नौकरी करते हैं टाइम से तनख्वाह नहीं मिलती। अच्छा जी, बच्चों की फीसें भेजनी है, तनख्वाह नहीं मिल रही है, 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं। बस 10-12 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, क्या करें भाई साहब, मजबूर इंसान क्या कर सकते हैं, अनपढ़ इंसान है हम, बचपन में नहीं पढ़े लिखे, वहाँ आपकी मजबूरी थी, हम भी नौकरी में लग गए शुरू से। अच्छा जी, क्या कर सकते हैं? चलो आज मैं आपकी कुछ मदद करता हूँ। अगर मैं आज आपको एक वादा करूँ या एक बात बताऊँ कि आप 10-12 हज़ार महीने का 1 लाख कमा सकते हैं। अरे भाई साहब क्या बात है, मजाक नहीं है मेरे भाई। अरे भाई साहब मजाक उड़ाने आए हो, हमारा मजाक उड़ाने आए भाई साहब। भाई कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अरे भाई साहब मुझ पे विश्वास करो, मेरी गाड़ी खड़ी है, क्या तुम्हें गाड़ी चलानी आती है? हाँ जी आती है। मेरी गाड़ी चलाओ, और तुम्हें अगर आज मैंने 1 लाख रुपए कमा नहीं दिए तो तुम मुझे कहना। तुम्हें आज एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जिस जगह लोगों ने जाके, भाई साहब 1 लाख रुपए के लिए बोल रहे हो, अगर वहाँ पैसे लगे फिर क्या करोगे आप? बेफिक्र, हमारे पास 1 रुपए भी नहीं है। बेफिक्र रहो, जज्बा है 1 लाख कमाने का, मेहनत करोगे? बिल्कुल, मेहनत से पीछे तो नहीं हटोगे? नहीं हटेंगे। तो चलो मेरी गाड़ी में आओ, तुम्हें लेके चलो। चलो तो आपको देख के तो ऐसा लग रहा है भाई साहब की गाड़ी तो आप चला ही लेते हो। थोड़ा सा ये आपको मैं ले आया हूँ भाई साहब उस जगह पे, ये गाड़ियाँ देख रहे हो भाई साहब, इन गाड़ियों से 1 लाख कमाना है हमने। गाड़ियाँ बहुत महंगी है भाई साहब, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं है। इन्हीं गाड़ियों से 1 लाख कमाओगे? आओ मैं बताता हूँ कैसे, आ जाओ और आओ, मिलवाता भी हूँ मैं आपको ना। चलो आओ, आज मैं आपको ना बताता हूँ और सब कुछ दिखाऊंगा भाई साहब आज मैं आपको ना। ये है जी वो जगह, आपको यहाँ लेके आया हूँ मैं, क्या समझे यहाँ से आके? तो बहुत बड़ा शोरूम है भाई साहब, है हम क्या कर सकते हैं? आप जैसे लोगों के लिए ही ये शोरूम बनाया गया है, जो लोग नौकरी से परेशान हैं, जो लोग कहते हैं कि हमें अपना कुछ करना है, अपना कुछ करना है। तो अगर अपना कुछ करोगे ना तो पता है जिंदगी यहाँ से ना यहाँ ले आएगी। ये हैं वो लोग, सपना नहीं दिखा रहे, ये खुली आंखों से सपना है मेरे भाई, खुली आंखों से सपना है जो CMS करता है पूरा। और ये रहे वो सपनों के सौदागर, हमारे मोहित भाई और पुनीत भाई। कैसे मोहित भैया? ये हमारे पुनीत भाई। क्या हाल है जी? ये हैं हमारे सपनों के, कह सकते हो आप, वर्ड में यूज़ कर रहा हूँ सौदागर। ये कहते हैं कि अगर आप नौकरी कर रहे हो ना, जैसे कि आज आप परेशान हो, मैंने आज आपको एक सपना दिखाया, सपने में मैं आपको कहाँ लेके आया हूँ, नाम पढ़ो आप। CMS चड्डा मोटर सेल्स। ये रहे चड्डा मोटर सेल्स के फाउंडर। और भैया आज ये भाई साहब हमें टकराए चाय की ठेली पे, बहुत परेशान थे, बड़ा ही दर्द बताया इन्होंने, मैंने इन्हें एक सपना दिखाया और आपके पास ले आया, कुछ गलत तो नहीं किया, आप बताओ। सर ये हम रोज करते हैं, हमारा काम है, इसी चीज़ के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। हमने कई वीडियो में ये बोला है कि सपने पूरे करने के लिए बैठे हैं, सबके पूरे करते हैं, इनका भी ज़रूर करेंगे। तो देखा भाई साहब आपका सपना ही पूरा होगा यहाँ। देखो वैसे चलो कृपा आपकी रही, हाथ जोड़ता हूँ। अच्छा मैंने इनसे ना एक चीज़ तो पहले ही पूछ ली थी, तभी मैं बिल्कुल ओके करके लाया, मैं कहा गाड़ी चलाना जानते हो ना, टेस्ट ड्राइव ले लेते हैं इनकी। लेके आया हूँ टेस्ट ड्राइव, ऑटोमेटिक गाड़ी चलवाइए बकायदा, मैनुअल तो फिर आती होगी। आओ भाई साहब आपको अंदर लेके चलते हैं और सपनों की दुनिया में आपका प्रवेश करवाते हैं और आज आपको 1 लाख रुपए कमाना सिखाते हैं। बब्बल भाई
कहा था ना कि मुझ पे भरोसा करो, एक बार मेरे साथ चलो और मैं आपको लेके चलूंगा ऐसी जगह जहाँ पे आप कमाओगे मुझे 1 लाख। यकीन नहीं था सर। अच्छा कि मेरी जिंदगी में बाहर आ जाएगी। अच्छा ही, खुशी होगी। तो हैप्पी हो? हैप्पी सर। तो ये लो भैया, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो मेहनत का वादा किया वो जरूर करोगे और रोजाना 2 से 2500 रुपए कमाओगे इस गाड़ी से। अगर 12 घंटे चलाओगे, 13 घंटे चलाओगे तो 2-2.5-3 हजार कमाओगे, और अगर 4 घंटे चलाओगे 500 जेब में आएंगे, और उसके बाद दारू पीने चले जाओगे तो कुछ नहीं कमा पाओगे। 12 घंटे 13 घंटे गाड़ी चलती है तो जाके आदमी पैसे कमाता है, चाहे वो ओला उबर में कमाए, चाहे मल्टीनेशनल कंपनी में कमाए, चाहे एयरपोर्ट में कमाए। 12-13-14 घंटे गाड़ी चलती है भाई साहब। मैं बार बार अपनी वीडियो में कहता हूँ, 2-4 घंटे गाड़ी चलानी है तो मत आना, 12 घंटे गाड़ी चलानी पड़ेगी। ये आज हमने, ये हमारा ही स्टाफ है, हमारे ही लोग हैं, हमने एक कंसेप्ट समझाया आप लोगों को कि कैसी कैसी परेशानियाँ एक गरीब आदमी की जिंदगी में आती हैं जो 12-10-12-15 हजार रुपये कमाता है। एक कंसेप्ट बताया ताकि आप लोगों को समझ आ सके। ऐसी बहुत स्टोरीज हमारे पास और बहुत लोग ऐसे आते हैं, कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अवसर दें काम करने का, 12-13 घंटे काम करने का और 2-3 हजार रुपये रोज कमाने का, इसी कोशिश में लगे हैं मैं। बाकी इरफान भाई, भाई देखो एक बात तो यह है कि आप लोग ना, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको लोग ना बहुत ज़्यादा प्यार देते हो CMS को, चड्डा मोटर सेल्स को, कि अब CMS की जो लिमिट है वो लिमिट ऐसी हो गई कि जो बॉर्डर है वो भी ये पार कर चुके हैं और बॉर्डर में एंटर कर चुके हैं, नेपाल के बॉर्डर में भी जा चुके हैं और नेपाल तक जो गाड़ियां हैं वहां से लेने आ रहे हैं। सऊदी पहले तो बहुत गाड़ियां बेची है, बहुत गाड़ी बेची, सऊदी से बड़े लोग आते हैं भैया, बड़े लोग। जो हमारा जो बिल्कुल पड़ोसी था वो नेपाल वाला, जो आपने इंस्टाग्राम पे डिस्कस किया था। तो दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, ये जो स्टोरी थी ये तो एक एक्ट था जो हमने बताया, लेकिन रियलिटी इसमें ये थी कि ऐसी स्टोरियां पुनीत भाई के पास, मोहित भाई के पास रोजाना ही आती है। बहुत सारे लोग हैं जो अपना कुछ करना चाहते हैं, तो अगर अपना करने की चाह आप में अगर है, एक बार डू विजिट CMS और यहाँ पे आपको बताया जाएगा पैसे कमाने का तरीका और किस तरीके से आप मेहनत करके पैसे कमा सकते हो। ये जो गाड़ियां आप देख पा रहे हो ना, ये गाड़ियां सारी गाड़ियों से आप पैसे कमा सकते हो। तो मोहित भाई से अगर हम बात करें तो मोहित भाई क्या कहते हो आप कि कौन कौन सी गाड़ियां हमारे पास होती हैं और किस किस बजट की गाड़ियां होती हैं, अगर कोई जुड़ रहा है हमारे साथ? इरफान भाई, हमारे पास हर तरह की गाड़ी है, हैचबैक से लेके सेडान से लेके SUV से लेके सब गाड़ी आपको मेरे पास मिलेगी। अगर हम छोटी गाड़ी की बात करें, जैसे वैगनर की बात करें, वैगनर में मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे काम आए हुए, 35-35 हजार के मेरे पास रूट आए हुए वैगनर को लेके, 2-3 रूट मिल जाते दिल्ली NCR के। छोटी गाड़ी से भी मेरे पास कमाई के साधन है बहुत अच्छे अच्छे। ये सारी वैगनर खड़ी है मेरे पास आपके लिए, 2016 2018 दिसंबर की 2016। ये आप गाड़ी की कंडीशन देखो, 18 मॉडल दिसंबर की गाड़ी है, वैगनार दिसंबर में बंद हो गई थी, 18 मॉडल दिसंबर की गाड़ी है, अलॉय व्हील गाड़ी के अंदर लगे हुए हैं। अरे बाप रे बाप, गाड़ी की कंडीशन देखो, अलॉय व्हील्स देखो, सीट कवर बहुत अच्छी गाड़ी है, 2018 मॉडल, हम इसको 19 मानेंगे, दिसंबर की है, 18 मॉडल दिसंबर की गाड़ी है वैगनार, 4.5 लाख रुपए की गाड़ी की डिमांड है। आप आओगे मौके पे आपको गाड़ी की गुंजाइश करके देंगे और 1 लाख रुपए का महीने का काम लगवा के देंगे गारंटी के साथ। 4.5 लाख में फिर अगर 50% देते हैं तो रेस्ट जो है वो आप आधा लोन कर देंगे, आधी डाउन पेमेंट दो, 15 हजार गाड़ी नाम कराने के दो, गाड़ी लेके जाओ और 1 लाख रुपए महीने के कमाओ गारंटी के साथ। आगे बढ़ते हैं वैगनर, ये एक और वैगनर 2016 मॉडल, गाड़ी की डिमांड 2,60,000 रुपए की या 2.5 लाख रुपए की आपको गाड़ी दे देगी। 16 मॉडल वैसे हम कम ही रखते हैं इरफान भाई, 16 मॉडल गाड़िया क्या है कि अभी आपने देखा कि हर तरह का कस्टमर आता है। अच्छा, जिस भाई के पास 1 लाख रुपए है और बहुत मेहनत से उसने 1 लाख रुपए जोड़े तो उस भाई के लिए 16 मॉडल गाड़ी है, 2 साल चलेगी। अभी 1 साल के अंदर जो पैसे उसने लगाए हैं वो कवर कर लेगा, उसके बाद उसकी कमाई है। अगली एक और 2016 मॉडल 2,60,000 रुपए की इसकी डिमांड है, 2.5 लाख की दे देंगे, 2.5 लाख रुपए की गाड़ी दे देंगे, पेपर कंप्लीट करा के देंगे। ये टैक्सी नंबर गाड़ियां दिखा रहा हूँ सारी मैं आपको, कमर्शियल नंबर, सारी 1RT गाड़ी है। एक सवाल यहाँ पे ये जुड़ता है कि अगर हम पीछे चले, वैसे हमारे पास बहुत सारी गाड़ियां आज आपको दिखाने के लिए, तो जैसे अगर हम बात करें जैसे कि HR 74 है, तो ये ऑल इंडिया वाली है? ये भी ऑल इंडिया, NCR है, ये ऑल इंडिया है, ऑल इंडिया, ये ऑल इंडिया। ऑल इंडिया और NCR की गाड़ी में फर्क क्या है जी लेने में? NCR और ऑल इंडिया, NCR परमिट गाड़ी चलेगी सिर्फ दिल्ली NCR के अंदर, अगर वो किसी अदर स्टेट के अंदर जाएगी तो उसको एक परमिट लेना पड़ता है। ओके, बट ऑल इंडिया परमिट गाड़ी के अंदर आपको हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी चले जाओ, आपको कोई परमिट नहीं लेना, लेकिन टैक्स देना होगा। किसी भी स्टेट के अंदर अगर आपकी गाड़ी एंटर करेगी आपको उस स्टेट का एक छोटा सा टैक्स देना पड़ेगा, और बाकी आप उसके बाद कहीं भी जाओ तो कोई परमिट नहीं। यानी अगर ऑल इंडिया की गाड़ी कोई बंदा चला रहा है और उसने टूर एंड ट्रेवल में लगा रखी है उस गाड़ी को, तो वो सवारी को ले जाके मतलब दिल्ली से चंडीगढ़ कहीं भी लेकर जाए, जिस भी पंजाब में जाएगा टैक्स देगा, उत्तराखंड में जाएगा टैक्स देगा, टैक्स दौर चलता
बोलते रहो। हिमाचल में जाएगा टैक्स देगा, यूपी में जाएगा टैक्स देगा, और टैक्स कितना है नाम मात्र, 150 रुपए के आसपास का टैक्स है। जैसे एमसीडी का टोल है, एमसीडी का 100 रुपए का टोल होता है, दिल्ली के अंदर अगर गाड़ी एंटर करेगी 100 रुपए देगी, अगर ये किसी भी स्टेट के अंदर जाएगी स्टेट का टैक्स देगी, और उसके बाद कहीं भी घूमो। बहुत बढ़िया, तो आप ले सकते हैं अपनी मनपसंद गाड़ी, ऑल इंडिया का भी बता दिया और आपको बता दिया दिल्ली एनसीआर का भी, तो इसकी डिटेल लेते हैं। रिफान में 2020 मॉडल एक्सेंट है, कंपनी फिटेड सीएनडी। तो क्या कंपनी फिटेड होती नहीं है क्या इनके अंदर? कंपनी फिटेड एक्सेंट के अंदर 18 के बाद आनी शुरू हुई थी। अच्छा, डिजायर के अंदर तो 18 में आती थी। ओके, इसके अंदर कंपनी फिटेड की डिमांड बहुत ज्यादा है एक्सेंट की। ओके, गाड़ी की 6.5 लाख रुपए की डिमांड है, 6.25 लाख की गाड़ी दे देगा आपको। नेक्स्ट 2018 मॉडल की एक्सेंट कंपनी फिटेड सीएनजी है, गाड़ी ब्रांड न्यू है, अच्छी गाड़ी है, 5 लाख रुपए की इसकी डिमांड है, ऑन टेबल छोटा मोटी गुंजाइश कर लेंगे, लोन कर देंगे 5 मिनट के अंदर। 2017 मॉडल एक्सेंट एक ही दाम 4 लाख रुपए की गाड़ी दे देंगे, 5 मिनट के अंदर लोन करेंगे। 17 मॉडल 4 लाख रुपए की, 17 मॉडल 4 लाख रुपए की कंपनी के अंदर लगवा के दे देंगे, एयरपोर्ट पे कहोगे लगवा के दे देंगे। एक ही बात है हमारे पास, तो काम, उसके अलावा अपने पास और कोई बात ही नहीं आती। देखो सीधी बात तो ये है कि यहाँ पे जो आप गाड़ियां मैं आपको दिखा रहे हैं, ये आपको गाड़ियों को लगवा के भी देते हैं, तो इस चीज से बेफिक्र हो जाओ। गुड़गांव में कहोगे गुड़गांव में लगा के दे देंगे, नोएडा में कहोगे नोएडा में लगवा के दे देंगे गाड़ी, गाजियाबाद में कहोगे गाजियाबाद में लगवा के दे देंगे। ओला उबर में कहोगे वहां लगवा देंगे, दिल्ली से बाहर अगर आपने चलाना घूमने फिरने वाली कंपनी में लगानी तो वहां भी गाड़ी लगा के दे देंगे। रेट के 2019 मॉडल गाड़ी है, बट इरफान भाई ये बिकी हुई है। ओके, तो चलिए हमारे भाई ने गाड़ी ली हुई है। अगर ये बिकी हुई है तो आज किया भी बेचेंगे हम? इरफान भाई वैसे आपकी बात बताऊं, ये बिकवा दो गाड़ी यार, गाड़ी का नंबर दे सकते हो 006 मेरे नाम है ये। तो ये भाई मोहित चड्डा की है कार, चंडीगढ़ नंबर, 65 नंबर लगा हुआ है, इसका नंबर दे दोगे? नंबर 7 दे देंगे। चलो जी, ये है जी किया की सेल्टोस, जो कि मेरे ख्याल सनरूफ वाली तो नहीं है, सनरूफ है, ऑटोमेटिक है। एक बार फिर की है क्या हमारे पास? मोबाइल में है कि भाई स्मार्ट है। अरे वाह, देखे सही, हम भी जरा कैसे हो सकते हैं भैया, ये इरफान में बिकवा दो गाड़ी, बिकती है तो बढ़िया सी गाड़ी ले गए। अभी चेक कर लेते हैं ना एक बार पहले, हैं ऐसे करके अनलॉक करना, स्टार्ट भी कर दोगे क्या? स्टार्ट भी हो रही है, अभी खोलेगी, खुल गई गाड़ी, खोल दी भाई आपसे, स्टार्ट कर दो, मतलब मानूंगा मैं स्टार्ट, ये लो तभी हम इसे सेल्फ लगाएंगे। स्टार्ट होगी भाई गाड़ी, यार क्या गाड़ी है किया, एक बार चेक करें इंटीरियर आपकी गाड़ी का। तो ये देख लो भाई, ये है कितनी चल रही है मोहित भाई, जरा मीटर तो देख लूँ इसका, 69,000 चला दी है भाई ने, सनरूफ वाली कार है। तो अगर आपको, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, तो ये फाउंडर्स की कार है भाई, जो आ चुकी है फॉर सेल, पहली बार दिखाई है आज। हाँ, पहली बार दिखाई है, बाकी देख लो एक बार कंडीशन ना गाड़ी कहीं से पेंट नहीं इरफान भैया, बंपर भी ओरिजिनल है क्या? सब कुछ ओरिजिनल है, सब कुछ ओरिजिनल है गाड़ी, कुछ भी एक टचिंग में नहीं हुई आज तक इस पे, ये ओरिजिनल है, हल्का सा ड्राई डेंट निकाल दिया था, पेंट भी नहीं कराई, 0065 हमारा लकी नंबर है, नंबर 7 दे देंगे। क्या डिमांड रखी आपने? डिमांड 1.15 लाख की देनी है, अगर किसी भाई ने लेनी है, वैसे इंटरेस्टेड नहीं है, अगर किसी भाई ने लेनी है, ओरिजिनल गाड़ी है, सारी जनमन पेंट की गाड़ी है, 15 लाख रुपए अगर मिलेगे तो गाड़ी बेच देंगे। आ जाना CMS और इस गाड़ी के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हो, जो प्राइवेट गाड़ी चाहते हैं खरीदना। अब आ चुकी है कमर्शियल दो गाड़ियाँ, ये कौन सी है जी? 2017 मॉडल होंडा अमेज, प्राइस 4-4 लाख रुपए की गाड़ी दे देंगे, 4.25 लाख डिमांड कर रहे हैं, 4-4 लाख रुपए की दे देंगे गाड़ी। इरफान भैया 2018 मॉडल गाड़ी है, ऑल इंडिया परमिट गाड़ी है, हरियाणा का नंबर है, 5.5 लाख रुपए की गाड़ी दे देंगे, 5 मिनट के अंदर लोन कर देंगे। यार वो बड़ी ब्रांड न्यू लग रही है मुझे वो, इरफान भाई वो गाड़ी बिकी हुई है। ओके, एक्सेंट है, बिकी हुई है गाड़ी। चलिए, ये 2019 मॉडल, 2019 मॉडल डिमांड 6.5 की है, 6.25 की दे देंगे, और कोई भाई आएगा 5-7-10 हज़ार रुपए और कम कर देंगे। 2019 मॉडल 6,10,000 रुपए की दे देंगे, ये देख लो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ड्यूटी। ये हमने जो गाड़ी ली है कमर्शियल गाड़ी थी, सरकारी विभाग में लगी हुई थी, ब्रांड न्यू गाड़ी है, मात्र 45,000 किलोमीटर चली हुई है। अगली सबसे बात, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख कमाई बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा। 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 2018 मॉडल 5.5 लाख रुपए की गाड़ी दे देगा आपको। 2017 मॉडल गाड़ी की डिमांड 4,75,000 रुपए की। ओके। जो भाई आएगा गाड़ी दे के भेजेगा, ठीक है। 2017 मॉडल 4,75,000 की डिमांड है, जो भाई आएगा गाड़ी दे के भेजेगा, काम लगवा के दे के कंपनी में लगवा के देगा, लोन 5 मिनट के अंदर करके देगा आपको। तो मोहित भैया अंदर की गाड़ियों का क्या डिटेल है? इरफान भैया जो गाड़ियाँ आप अंदर सारी देख रहे हो ना, हमारे इस शोरूम के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6 गाड़ियाँ लगी है जैसे। तो जो गाड़ियाँ शोरूम के अंदर आ जाती है ना, सुपर रेडी सुपर क्लीन कार होती है हमारी। अच्छा। बिल्कुल रेडी, यहाँ से गाड़ी निकाली और गाड़ी की डिलीवरी दी हमने। 2018 मॉडल की एक्सेंट, एक बार गाड़ी का वॉकराउंड दिखाओ, ब्रांड न्यू गाड़ी, चमक देखो गाड़ी के अंदर, आज भी ओरिजिनल पेंट गाड़ी है, 18 मॉडल, गाड़ी चली होगी 50-55-60 की रेंज में चली होगी। और गाड़ी के साथ क्या रेंज है? गाड़ी की जो रेंज है 5 लाख रुपए की गाड़ी दे दे
देंगे आपको 18 मॉडल गाड़ी। और इसके साथ और क्या? छोटा मोटा होगा तो कम कर देंगे। और क्या मिल जाएगा इसके साथ? आपको एक ही चीज मिलेगी। क्या? काम, पैसा, पैसा, काम। ये मिलेगा, ये तब मिलेगा जैसे हम बोल रहे हैं ना, ऐसी गाड़ी चलाने वाला आदमी काम करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे नहीं चल पाएगी 12 घंटे गाड़ी, के लिए क्या कहना चाहोगे? सर गाड़ी 12 घंटे चलानी पड़ेगी, है ना? बिल्कुल चलानी पड़ेगी। जो लोग कहते हैं 12 घंटे गाड़ी नहीं चलती, जो लोग कहते हैं 5 घंटे गाड़ी चलती है, तो 5 घंटे वाले आप हमारे पास मत आना। बिल्कुल ठीक है, आना, बट हम आपको समझाएंगे, हम आपको गाइड करेंगे कि नहीं आप 12 घंटे गाड़ी चलाओगे तो 1,00,000 कमाओगे। समझाएंगे हम यहाँ पे, एक बार आओ हमारे पास, जो आपकी कंफ्यूजन है वो हम उसको दूर करेंगे और आपको गाड़ी देंगे, आपका लोन करेंगे और 1,00,000 रुपए का एक आदमी बना के भेजेंगे आपको यहाँ से। 2019 मॉडल, मैंने आपको 12वीं 19 मॉडल के रेट बताए थे, 6,25,00,000 रुपए की गाड़ी दे देंगे और कुछ मान सम्मान होगा तो कर देंगे। ठीक है, और पीछे देख लेते हैं और कौन सी गाड़ी पीछे। ये 2019 मॉडल की सिलेरियो, 5,00,000 रुपए की डिमांड है, ये आपको गाड़ी 4,90,000 रुपए की दे देंगे। 2019 मॉडल की डिजायर है, 6,25,000 रुपए की डिमांड है, आपको 6,10,000 रुपए की गाड़ी दे देंगे। जैसे अब पीछे 7-सीटर गाड़ी खड़ी है इरफान भी, ये 2018 मॉडल की आर्टिगा है, एक्चुअली ये गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है, ये गाड़ी सोल्ड आउट हो चुकी है। आर्टिगा हमारे पास इरफान भी वो लोग लेने आते हैं जो चले ही आउट स्टेशन है, हमारे जो टूर एंड ट्रेवल हमारे पास, जैसे जो नए लोग आते हैं वो ये सोच के आते हैं कि आर्टिका में ज्यादा बहुत ज्यादा कमाई हो जाएगी। ठीक है, होती है 5,000 रुपए की रोज की कमाई है इस गाड़ी के अंदर, डेली की 5,000, डिजायर की भी 3,500 से 4,000 कमाई है। जो फर्स्ट टाइम गाड़ी ले रहा है तो वो सिडान से स्टार्ट करे, छोटी गाड़ी से भी नहीं, सिडान से स्टार्ट करे, 3,500 से 4,000 रुपए का काम लगवा के देंगे। MNC के अंदर गाड़ी उसकी हम अटैच करवा के देते हैं। ठीक है, कॉल सेंटर्स के अंदर आर्टिगा थोड़ी कम चलती है, सिडान एक्सेंट होगी और डिजायर होगी ये थोड़ी ज्यादा चलती है। इसकी वैसे क्या डिमांड रहती है? ये इरफान भी 2018 मॉडल गाड़ी है, 7,00,000 रुपए की डिमांड है, ऑन टेबल छोटी मोटी गुंजाइश कर देंगे, बट ये तो बिक चुकी है। 2017 मॉडल गाड़ी, 4,75,000 रुपए की इसकी आस्किंग है, मान सम्मान कर देंगे। काफी लोग ये पूछते रहते हैं कि हम कहां पे लोकेटेड हैं, तो एक बार आइडिया दे दें। इरफान भैया हम कीर्ति नगर इंडस्ट्रियल एरिया में लोकेटेड है, डीडी मोटर के बिल्कुल सामने। अगर आप कीर्ति नगर मेट्रो स्टेशन से आ रहे हैं तो आपके राइट साइड पे कीर्ति नगर का पुराना थाना, बहुत फेमस है कीर्ति नगर पुराना थाना, एसजी पब्लिक स्कूल के बिल्कुल ऑपोजिट डीडी मोटर, डीडी मोटर के सामने हमारा CMS है। भैया अभी कस्टमर भी लग रहा है, इनका वेट कर रहे हैं, डिलीवरी है तो इनको जरा जाने देते हैं। आज संडे है तो आज हमारी डिलीवरीज होती है, तो आप जाइए फिर। मैं जरा पुनीत भैया के पास चलता हूं। स्टॉक तो देख लिया हमने, आज आपने स्टोरी भी बहुत अच्छी बताई, जो हमने एज ए एक्ट लोगों को दिखाया कि भाई देखो ऐसी ऐसी स्टोरियां होती हैं रोज आती हैं हमारे पास। तो CMS पे इंसान सिर्फ गाड़ी ही लेने आए क्या, या मतलब कुछ और भी मिल सकता है उसे? सर गाड़ी लेना तो गाड़ियों का शोरूम है तो गाड़ी लेने आएंगे, हाँ। मगर मैं फिर भी कहूंगा मेरे पास आना है, कैमरे में देख रहे हैं ना लोग, इनको बताता हूँ, मेरे पास तो सिर्फ दो ही चीजें मिलती हैं, अगर इन दोनों में से आपको कुछ चाहिए हो ना तभी मेरे पास आना, तो मेरे पास ना आना। अच्छा, और क्या है वो दो चीजें? काम, पैसा, पैसा, काम। काम, पैसा, पैसा, काम, काम, पैसा, ऐसा। अरे ऐसे ही तो बनेगा फिर आपका नाम। क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसे ही बनेगा नाम। अगर आना है CMS तो मिलेगा पैसा और साथ में मिलेगा आपको काम। काम की गारंटी देते हो? 100% कहाँ के दे रहे हो? इस बार काम कहाँ का लेके आए हो? बड़ी सारी कंपनियां जैसे, चलो अब की बार आपको हम कहते हैं ना MNC में लगाएंगे, अब की बार MNC के नाम ही बता देता हूँ सर, प्लीज। आप रहते हो जमुना बार की तरफ, आपकी नोएडा में गाड़ी लगवा देंगे। हाँ। नोएडा के अंदर कंपनियों के नाम गिनो आप। Amazon, ओके, विप्रो, KPMG, जेनपैक्ट, ओके, IBM, HCL, HSBC बैंक, बार्कलेज। अच्छा, एक यहाँ पे सवाल जुड़ता है, आपके पास ये तो है नहीं कि अभी कंपनी खत्म नहीं हुई? नहीं, तो MNC के ही काम नहीं होते, MNC और है, और भी हैं, और बहुत सारे ट्रैवल के, एयरपोर्ट का काम भी आपने कई बार बताया है, ओला उबर का तो काम रेगुलरली रहता है। तो कई भाइयों का ये भी सवाल रहता है कौन सी जगह गाड़ी लगवा के ज्यादा कमाई हो सकती है, आपका क्या? देखो फिलहाल देखो एयरपोर्ट के ऊपर गाड़ी लगती है ना, एयरपोर्ट में पैसे मिलते हैं, मगर MNC के अंदर थोड़े से ज्यादा मिलते हैं। अच्छा, थोड़े से बेटर मिलते हैं। अब कहीं देखो अपने ऊपर सूट करता है बंदों को, कई लोग कहते हैं कि अपने को भाई नौकरी नहीं चाहिए,
दिल करेगा तो चलाएंगे, दिल नहीं करेगा तो घर बैठेंगे। वो ओला उबर वाले हैं, वो मेक माई ट्रिप वाले हैं, वो आई बीबो वाले हैं, वो रेड बस वाले हैं। ठीक है जी, कई लोग कहते हैं अपने को भाई सिर्फ दिन दिन का काम दे दो फिक्स रूट का, उनको दो फिक्स रूट दे दिए, साथ में उन्होंने ओला उबर में मिक्स मैच करके चला ली। अब ये जो कंपनीज एमएनसी में गाड़ी लगेगी इसके अंदर तो दो चार छुट्टी महीने की होती है, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा ना आपको। ओके ओके, ये बात है। तो ये आप गुड़गांव के अंदर भी कंपनीज है, गुड़गांव के अंदर ऑप्टम ग्लोबल बैंक है, केपीएमजी है, कन्वर्जिस है, एसेंशियर है, गूगल है, इतनी सारी कंपनीज है। मैं 15 कंपनीज गिनवा दी आपको, तो कोई नाम नहीं लेगा, मैं नाम लेके बता रहा हूँ। इस कंपनी के अंदर गाड़ी अटैच करा के दे दूंगा आपकी पसंद से, गाड़ी बेचता हूँ 5 मिनट में लोन करता हूँ। दोबारा सुन लो, गाड़ी बेचता हूँ 5 मिनट में लोन करता हूँ, गाड़ी आपकी अटैच करा के दे देता हूँ। 10-15-20 हजार रुपए कमाते हो सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है। दो चीजें चाहिए तो ही यहाँ पे आना, काम पैसा, पैसा काम, काम पैसा, पैसा काम। और अगर चाहते हो अपनी जिंदगी में आराम तो आना होगा चड्डा मोटर सेल्स मेरे दोस्त, लेके अपनी मेहनत और देंगे ये आपको काम, पैसा पैसा काम, काम पैसा पैसा काम। लेते हैं आपसे अलविदा, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए माय कंट्री मार्ट। खुदा हाफिज़, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।